फ्रेंड्स, मैं हूं कविता और आपका स्वागत है मेरे किचन में। आज मैं बनाने जा रही हूं ब्रेड पिज्जा। मैंने ब्रेड पिज्जा की रेसिपी पहले भी पोस्ट की थी, लेकिन उसे मैंने अवन में बनाया था, तो काफी सारे व्यूवर्स पूछ रहे थे कि मैं इसे तवे पे कैसे बनाऊं। तो आज की ये जो रेसिपी है वो मैंने तवे पे बनाया है। बहुत ही सिंपल और इजी तरीका है, आप इसे जरूर ट्राई करें। अगर आज की रेसिपी आपको अच्छी लगे तो प्लीज आप मेरे वीडियो के नीचे लाइक का बटन क्लिक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए आज सिंपल ब्रेड पिज्जा की रेसिपी को शुरू करते हैं। ब्रेड पिज्ज़ा बनाने के लिए मैंने लिया 4 स्लाइसेस व्हाइट ब्रेड के। मैंने यहाँ पे बड़े वाले ब्रेड यूज़ किए हैं। 100 ग्राम मैंने मोज़रेला चीज़ यूज़ किया है। चीज़ को ग्रेट कर लें। यहाँ पे मैंने 3 बड़े चम्मच सेजवान चटनी यूज़ किया है। आप इसकी जगह सेजवान सॉस, पिज़्ज़ा सॉस और अगर वो नहीं है तो टमाटो केचप में चिली फ्लेक्स मिला के यूज़ करें। पिज़्ज़ा मिक्स मैंने लिया है 1/4 छोटा चम्मच। चिली फ्लेक्स लेंगे 1/4 छोटा चम्मच। मिक्स्ड हर्ब मैंने लिया है 1/4 छोटा चम्मच। ऑरेगैनो लेंगे 1/4 छोटा चम्मच। इसके अलावा यहाँ पे मैंने 2 छोटे चम्मच बटर यूज़ किया है। टॉपिंग्स भी मैंने यहाँ पे ब्लैक ऑलिव से यूज़ किए हैं। ये देखिए, ये ऐसे जार में मिलता है और किसी भी सुपर स्टोर या ग्रॉसरी शॉप में आज के लिए बहुत आसानी से मिल जाता है। इसके अलावा मैंने थोड़े से एलोपिनो लिए हैं, ये भी ऐसे ही जार में मिलता है और जहाँ पर आपको ऑलिव्स मिलेंगे उसी दुकान में आपको ये आसानी से मिल जाएगा। यहाँ पे मैंने इसके अलावा थोड़े से कटे हुए टमाटर लिए हैं, थोड़ा सा कटा हुआ प्याज लिया है और थोड़े से शिमला मिर्च। आप चाहें तो इसके अलावा कॉर्न या पनीर भी यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले एक मिक्सिंग बोल लें और इसमें क्या करेंगे कि आधा चीज़ हम निकाल लेंगे। आधे चीज़ में हम सारे इटालियन हर्ब्स मिलाएंगे और आधे को प्लेन रखेंगे। तो इसे अलग रख दें और इस वाले चीज़ में ये सारे हर्ब्स जो है वो मिला देंगे। तो ये पिज़्ज़ा मिक्स, अगर इनमें से कुछ हर्ब्स आपके पास नहीं है तो उसके बिना भी बना सकते हैं। अगर आपके पास पिज़्ज़ा मिक्स है तो बाकी इन सारी चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, या फिर मिक्स्ड हर्ब है तो वो भी चलेगा। मेरे पास ये सारी चीज़ें अवेलेबल थी इसलिए मैं सारा यूज़ कर रही हूँ और लास्ट में ऑरेगैनो डाल दे रही हूँ। मिला दें इन सबको। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप में। तो यहाँ पे मैंने एक प्लेट और सारी चीज़ों को अरेंज करके रखा है। तो मैं यहाँ पे 2 ब्रेड को पहले ऐसे ले रही हूँ और इसके ऊपर हम ये पिज़्ज़ा सॉस या फिर सेजवान सॉस, जो भी आप यूज़ करें, उसे अच्छी तरह स्प्रेड कर दें। सेजवान सॉस से टेस्ट बहुत अच्छा आता है और ये रेडीमेड मिलता है या फिर इसकी रेसिपी भी है मेरे चैनल पर। तो यहाँ पर सेजवान सॉस अच्छी तरह लगा दिया। अगर बच्चों के लिए बना रहे तो टमाटो केचप लगाएं यहाँ पर, ये देखिए। तो हम इसके ऊपर ये जो हर्ब्स मिला हुआ चीज़ है वो स्प्रेड कर देंगे। वैसे तो जो इटालियन हर्ब्स होते हैं वो पिज़्ज़ा बनने के बाद उसके ऊपर स्प्रिंकल करके खाया जाता है, लेकिन मैंने यहाँ पे आधे चीज़ में इन मसालों को मिला के और इसके बाद हम इसे पकाएंगे, इससे ये पिज़्ज़ा बहुत टेस्टी बनेगा। तो ये देखिए, अब हम इसके ऊपर ये सारे टॉपिंग्स डाल देंगे। तो प्याज, टमाटर, शिमला मिर्च, जो भी आपको पसंद है आप अपने पसंद की टॉपिंग इसके ऊपर डाल सकते हैं। बस ऑलिव्स जो है वो मैं बचा के रखूँगी, उसे आप लास्ट में यूज़ करें। उससे क्या होगा, पिज़्ज़ा जो है वो दिखने में बहुत अच्छा लगता है, वो चीज़ के साथ थोड़ा सा कॉन्ट्रास्ट दिखता है। तो यहाँ पे ये टमाटर, प्याज और शिमला मिर्च मैंने डाल दिया, एलोपिनो भी डाल दें इसी के साथ। पिज़्ज़ा बनाने में ऑलिव्स या फिर एलोपिनो का ज़्यादा यूज़ ना करें। ऑलिव्स जो होता है वो थोड़ा ज़्यादा खट्टा होता है, तो इस बात का ध्यान रखें। तो आप देख सकते हैं मैंने इसे सजा लिया है। अब हम इसके ऊपर जो प्लेन चीज़ है वो लगा देंगे। तो चीज़ की लेयर जितनी ज़्यादा अच्छी होगी पिज़्ज़ा उतना ही टेस्टी बनेगा। तो यहाँ पे चीज़ को मैं स्प्रेड कर दे रही हूँ। अगर आपके पास ग्रेटेड चीज़ नहीं है या फिर चीज़ ब्लॉक्स नहीं है तो जो चीज़ की स्लाइसेस आती है उसे भी आप इसके ऊपर रख के ऐसे बना सकते हैं, मतलब पूरे टॉपिंग्स को डाल दें और इसके ऊपर एक चीज़ स्लाइस लगा दें। तो यहाँ पे मैंने चीज़ को स्प्रेड कर दिया, आप देख सकते हैं। अब हम इसके ऊपर ऑलिव्स सजाएंगे। तो आप देखिए, ऑलिव्स लगने के बाद ही ये जो है पिज़्ज़ा वो एकदम परफेक्ट दिखता है। तो यहाँ पे मैंने ऑलिव्स लगा दिया और ये हमारा पिज़्ज़ा रेडी हो गया है पकने के लिए। तो चलते हैं गैस की तरफ। तो यहाँ पे गैस पे मैंने एक तवा रखा है, गैस को ऑन करें और गैस का फ्लेम लो कर दें। इसे पकाने का टेक्निक देखिए, लो फ्लेम पे हम तवा को हल्का सा गर्म हो जाने देंगे। जैसे ही तवा हल्का सा गर्म हो जाएगा हम इसके ऊपर बटर लगा देंगे, मतलब हमें तवे को ग्रीस कर देना है। बटर की जगह आप घी का भी यूज़ कर सकते हैं। तो अच्छी तरह बटर को स्प्रेड कर दें, ये देखिए। जैसे ही बटर अच्छी तरह मेल्ट हो जाएगा हम क्या करेंगे, यहाँ पे गैस को ऑफ़ कर देंगे। ये देखिए, गैस को बंद किया मैंने और इसे थोड़ा सा ठंडा हो जाने दें। तब तक हम क्या करेंगे कि ये जो पिज़्ज़ा है
ये हम इसके ऊपर रख देंगे। तो ध्यान रहे गैस को ऑफ रखिए और तवा थोड़ा सा ठंडा हो जाए उसके बाद इसे आप प्लेस करें तवे पे। अच्छे से रख दें। अब हम गैस को ऑन कर देंगे वापस, गैस का फ्लेम लो कर दें और पैन को कवर करके, मतलब अच्छे से कवर करें, मतलब थोड़ा भी स्टीम बाहर नहीं आना चाहिए। पैन को अच्छे से कवर करके ये देखिए, और हम इसे 5 मिनट तक लो फ्लेम पे पकाएंगे, बीच में ढक्कन न खोलें। 5 मिनट हो चुके हैं, यहाँ पे पैन का ढक्कन हटा रही हूँ मैं, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि चीज़ अच्छी तरह मेल्ट हो गया है। तो गैस को ऑफ कर देंगे और इसे हम तवे से निकाल लेंगे। मैंने यहाँ पे मोज़रेला चीज़ यूज़ किया है जो बहुत जल्दी मेल्ट होता है। अगर आप प्रोसेस चीज़ यूज़ करें तो वो मेल्ट होने में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो यहाँ पे हमारा पिज़्ज़ा जो है वो रेडी हो गया है, आप देख सकते हैं। तो अब मैं इसे कट करके दिखाती हूँ। तो यहाँ पे पिज़्ज़ा कटर या नाइफ़ किसी भी चीज़ से आप इसे काट लें। ये देखिए चीज़ एकदम अच्छे से मेल्ट हो गया है। तो मैं इसे एक बार ऐसे कट कर लेती हूँ और ये देखिए ये हमारा ब्रेड पिज़्ज़ा तैयार हो गया है। लेकिन ये पीछे से कैसा दिखता है, ब्रेड जला है कि नहीं, तो मैं एक बार चेक कर लेती हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ब्रेड भी अच्छी तरह पका हुआ है, मतलब क्रिस्पी ब्राउन है। तो अब हम इसे सर्विंग प्लेट में निकाल लेंगे और ये हमारा पिज़्ज़ा तैयार हो गया है। लास्ट में आप इसके ऊपर पिज़्ज़ा मिक्स, ऑरेगानो या फिर मिक्स हर्ब चिली फ्लेक्स, जो भी आपको पसंद है वो स्प्रिंकल कीजिए और आप इस तवे वाली ब्रेड पिज़्ज़ा को गर्मा गर्म सर्व कीजिए। अगर आज की रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप मेरे वीडियो के नीचे लाइक का बटन क्लिक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मुझे उम्मीद है कि आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। बाकी इन रेसिपीज के लिए इन दोनों लिंक्स पे क्लिक करें।